हेलो एंड नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना ऋतिक गुप्ता और फिर एक अगली वीडियो के साथ, एक नया ब्लॉग के साथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग बोले तो बिल्कुल हटके ब्लॉग है। दिल्ली में 5-6 साल से मेहनत कर रहा हूँ, उसका पूरा कमाई जो है, जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं मैं सारे आपके सामने रखूँगा और हर अवार्ड्स के पीछे कुछ ना कुछ कहानी रहेगी, कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा और मैं सारे रीजन्स बताऊँगा, ये कहाँ से मिला, ये सर्टिफिकेट कहाँ का है और जो चाहे वो जी टीवी का मेडल हो, से मैं सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। या आइए पूरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ अपने रूम में। मैंने जितने भी रखे हैं अवार्ड्स वगैरह, मैंने एक कट्टे में बांध के रखा है, एक बोल सकते बोरी में मैंने करके रखा है सारा, क्योंकि जगह नहीं है। कितने लोग अपने अवार्ड्स को बड़े बड़े शीशे में या फिर अच्छी अच्छी जगह पर डेकोरेट करके रखते हैं, लेकिन अभी मेरे पास वो स्थाई अभी व्यवस्था नहीं है। तो मैंने एक कट्टे में बांध के सब चीज़ें रखी हैं, तो उन कट्टों में से एक एक चीज़ मैं निकाल के आपको दिखाऊँगा। आइए मैं चलता हूँ, लेके आता हूँ। दोस्तों ये देखो, इसमें कई सारे जितने भी मेरे सील्ड अवार्ड्स हैं सब हैं। तो चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है, सारी चीजें आइए देखते हैं। आओ ये देखो फ्रेंड्स, ईशान भाई इस पर जूम करो, ये देखो। और ये तकरीबन 2.5 किलो का है और मैंने इसको निकाले हैं क्योंकि मैं साफ़ करने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए इसी पे। ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करने वाला था और इसी बहाने साफ़ भी हो जाएगा, आप सभी के साथ शेयर भी हो जाएगा। बुरा हाल। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने निकाल, पहले मैं अवार्ड्स को जितने भी मेरे सील्ड वगैरह हैं सब मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले अच्छे से, क्योंकि मैंने मेन यही मोटिव था मैं साफ़ कर लूँगा। तो ईशान जो कैमरा बना रहे हैं उनका आइडिया था कि भैया इसको व्लॉग बना दो और आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, तो थैंक यू ईशान, बहुत अच्छा आइडिया था। तो मैं इसी बहाने पहले सबको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद सारी आगे की चीज़ें स्टार्ट करता हूँ।